वो पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ, वो मिट्टी के घरों में बनाती हुई माँ के हाथों की रोटियाँ, सब बहुत याद आता है। यूँ तो हर पहाड़ी जगह एक जैसी होती है, पर वहाँ का कल्चर पूरी तरह डिफरेंट होता है। तो उसी डिफरेंट कल्चर को आपके साथ साझा करने आ रहा है आपका ये माउंटेन बॉय। इस चैनल में आपको मिलेगा ट्रैकिंग जैसा एडवेंचर और पहाड़ी जंगलों में खाने का तरीका और दूर दराज के गांव में रहने का सलीका। क्या कभी आपने स्नोफॉल के बीच में खाना पकाया है? तो बस कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस लेके आ चुका है माउंटेन बॉय आपके सामने। तो आज होने वाली है शुरुआत फर्स्ट वीडियो की माउंटेन बॉय की। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो शूट की है मैंने अपने बर्थ प्लेस कुल्लू की। जी हाँ, कुल्लू। तो कुल्लू एक ऐसा खूबसूरत छोटा सा शहर जो कि नेचर की गोद में बसा हुआ है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कुल्लू मनाली के बारे में, बट डोंट वरी, आपको इस माउंटेन बॉय के थ्रू आप पूरा उसको जीएंगे। तो इस चैनल के थ्रू आप पहाड़ों का कल्चर, पहाड़ों की खूबसूरती और सबसे ज़रूरी पहाड़ियों का स्ट्रगल देख सकते हैं। तो आइए अपनी पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ मैं आपका माउंटेन बॉय में। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना 40 साल पुराना घर। जी हाँ, जो मेरे पीछे आपको खूबसूरत ट्रेडिशनल घर दिखाई दे रहा है वो मेरा ही घर है, और वो है लगभग 40 साल पुराना घर। उस टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो यहाँ से मेहनत की है, जहाँ पे इस घर में भी हमारा हम भी पूरी तरह नहीं रहते थे, तो घर हमारा ही था, बट फिर भी हमारे पास सिर्फ एक रूम था क्योंकि फैमिली उस टाइम बड़ी थी। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक रूम था यहाँ पे, और उसमें काफ़ी एडजस्ट किया है। तो आज की पूरी स्टोरी मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो मैंने सोचा यार, फर्स्ट वीडियो क्यों ना अपने जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की थी उसी की वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, अपने पुराने घर में जहाँ से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है। तो इसी जो मेरे पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, जिसकी दीवारें आपको थोड़ी सी शैटर्ड दिख रही हैं, थोड़ी सी ना मिट्टी की दीवारें हैं, तो यहीं से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। मीन्स मैं यहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। तो हम हॉस्पिटल वाले नहीं हैं बिल्कुल, जो पहले के टाइम पे होता था, जो सबसे फैमिली का बड़ा होता था वो तो हॉस्पिटल में होता था, बट जो बाद के छोटे होते थे वो मैक्सिमम घरों में होते थे। घरों में भी एक स्पेसिफिक जगह होती थी, तो वहाँ होते थे। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, और काफ़ी लोग मुझे पहले से भी जानते होंगे और काफ़ी लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानता तो बता दूँ, मेरा नाम नवीन ठाकुर है और मैं रहता हूँ कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है घूमना, खाना और एडवेंचर करना। ये तीन चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो मेरे KPL एक्सपीडिशन की फैमिली है वो तो मुझे बहुत जानती है इसके बारे में, कि उसको उनको पता है कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। मेरा ये जो नया चैनल खोलने का मेन मोटो यही है कि, तो जो मेरी KPL एक्सपीडिशन की फैमिली है वो ये चाहती थी कि यार थोड़ा मैं अपने हिमाचल का कल्चर बता सकूँ, पहाड़ी कल्चर, मेनली उनका मतलब था पहाड़ी कल्चर बता सकूँ। यूँ तो जितने भी पहाड़ी स्टेट हैं हमारे इंडिया के, वहाँ के पहाड़, नदियाँ, झरने सब लगभग सेम होते हैं, बट हम अगर डिफ़र करते हैं तो कहाँ से वो है कल्चर। तो हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो फ्रेंड, जो आज की बात करूँ तो आज मैं आपको सबसे पहले अपने घर का टूर करवाऊँगा जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। तो चलिए यार, चलते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स, अब आपको वहाँ पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे इसी जगह में मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ देख सकते हो अभी पाइपें वगैरह रखी हैं, क्योंकि बगीचों में पानी लगाने के लिए बहुत सारी पाइपें इकट्ठा रखी हैं, और अंदर घास भी रखा है गाय के लिए। तो यहीं कहीं पैदा हुआ होगा, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कहाँ, बट इसी काल कोठरी टाइप जगह पर। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे यार, ऐसी काल कोठरी में कैसे पैदा हो सकता कोई। उस टाइम पे इतनी बुरी नहीं थी, तो आज से लगभग 30 साल पहले मैं पैदा हुआ था। और ये है एक्चुअल में गौशाला। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रूम था रहने के लिए, और तभी क्या करना यार। तो उस टाइम पे फैमिली थोड़ी बड़ी थी, तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहा करते थे इस वाले रूम के अंदर। तो ये था रूम जो अपनी फैमिली को अलॉट हुआ था उस टाइम। तो सोच सकते हो आज से 30 साल पहले का रूम है यार ये।
तो अगर डिलीवरी यहाँ होती तो कहाँ रहते यार। तो रूम दिखा लेता हूँ। तो अभी इस पे रखे हैं, यहाँ पे वही खेत का सामान रखा है। तो इतने एक रूम पे पूरी फैमिली रहती थी यार। तो टोटल हम 5 मेंबर थे और यहाँ रहते थे। तो अगर आप लोग सोच ही सकते हो यार, कहाँ से कितनी मेहनत की है मेरे पेरेंट्स ने, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अगर पांचों के पांचों यहाँ रहते थे तो डिलीवरी के लिए तो और कोई जगह थी नहीं, तो इसीलिए तो उस टाइम पे जो बच्चा डिलीवर करते थे वो करते थे गौशाला में। तो ये एक ट्रूथ भी है उस टाइम का, एक बहुत सोचो यार, हाइजीन नहीं, और तभी उस टाइम डेथ रेट ज़्यादा होता था जब भी कोई डिलीवरी होती थी। तो फ्रेंड जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये था। तो इसको कहते थे हम टाला। ये हमारे दादाजी का रूम था, तो यहाँ पे दादाजी रहते थे। और ये टाला मीन्स ये पूजा घर था। तो किसी टाइम का ये पूजा घर। और मुझे आज भी याद है किस तरह हम यहाँ से निकला करते थे और यहाँ से नज़ारा दिखता था। तो मेरे घर के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता था, ये देखो कुछ खूबसूरत नज़ारा। तो मुझे आज भी याद है, तो यहाँ से यार, यहाँ से हम निकला करते थे और यहाँ कहीं एंटीना लगा करता था, यहाँ लेफ्ट साइड। तो उस एंटीना को एडजस्ट करते थे हम टूवर्ड सेटेलाइट, ताकि वो सिग्नल आ सके और हमारा दूरदर्शन चैनल चल सके। तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं मेरी उस टाइम की। तो जब छोटे में तो छोट जब मैं छोटा था तो यहाँ से निकल जाता था। तो मैं अभी ट्राई करूँगा यहाँ से निकलने की और छत से आपको थोड़ा नज़ारा दिखाऊँगा। भाई बहुत मुश्किल है, निकल गया यार। ये काफ़ी स्लांट है यार, काफ़ी मीन्स नीचे को है, बारिश यहाँ गिरती है और नीचे जाती है, जिसको हम यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं छप्पर। तो याद रखना जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, तो जब आप कुल्लू मनाली आएँ या फिर हिमाचल में आएँ तो वो सेम वर्ड यूज़ करना, ताकि आपको ईजी हो सके। तो इसको कहते हैं छप्पर, और अगर हमारी ठेठ लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलते हैं छप्पर। तो वो खूबसूरत पल आ गया जब, तो बहुत टाइम हो गया यार, पता नहीं कितने ही साल हो गए कि मैं बाहर नहीं निकला। तो अभी थोड़ा डर भी लग रहा है, बिकॉज काफ़ी वक्त से ये चेंज नहीं किए हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत शैवाल भी जमा हो गई है पानी के थ्रू, तो शायद थोड़ा सा फिसलन भी हो जाए। तो कुछ ऐसा व्यू देखो, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40-50 मीटर नीचे ब्यास नदी बहती है फुल फ्लैश से। तो ये देखो यार खूबसूरती देखो, लुक एट द ब्यूटी। तो यहाँ से नीचे को मेरा पूरा बगीचा है ये वाला, ये ऑर्चर्ड है पोमीग्रेनेट का, अनार का। तो काफ़ी बड़ा है, लगभग 400-500 पेड़ हैं इसमें यहाँ पे अभी अवेलेबल। बाकी इधर लोगों का है, इस साइड दूसरों का है, इस साइड तीसरों का है, काफ़ी लोगों का यही काम है, ऑर्चर्ड लगा दिए हैं, बस टेंशन फ्री। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सिर्फ एक घर है मेरे पड़ोस में, जो कि लगभग 300 मीटर दूर है, और बाकी लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर सारे दूर के दूर हैं यार, मतलब बहुत दूर है। तो इंसानी बस्ती से काफ़ी दूर है, अकेला घर, शांत घर, तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। और अगर दूसरी बात करूँ तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जो केपिल एक्सपेडिशन की बात कर रहा था मैं, इंग्लैंड से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अपने महाराष्ट्र से आते हैं, साउथ से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल मेरे यहाँ पर। तो इस साल तो चलो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बट अगर होता तो आराम से अभी टूरिस्ट नीचे बैठे होते। तो तभी यार ये इसीलिए बचा के रखा था, ताकि हम लोगों को दिखा सकें यार हिमाचल के घर। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिमाचल में भी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब ट्रेडिशनल जो घर हैं वो लोग कम बना रहे हैं, बस वही कंक्रीट से ही घर बनाते हैं, मेनली कंक्रीट यूज़ करके ही घर बनता है। तो उसमें वो बात नहीं होती है, क्योंकि इन घरों का की या बात होती है जो मिट्टी पत्थर से बनता है, क्योंकि ये घर पूरा मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बना है। और जो ये है ये स्लेट हैं, और इनको पॉट भी बोलते हैं। तो ये जो पॉट होते हैं ये बेसिकली पत्थर को चीर के बनते हैं। तो कई बार ज़्यादा बारिश होती है तो अंदर उंदर से निकल के थोड़ा बहुत लीकेज होती है, बट वहाँ पे फिर दूसरा पत्थर रखा जाता है ताकि लीकेज कम हो। तो ये वाला जो पहाड़ है, ये वाला माउंटेन, ये है बिजली महादेव का। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, चूल्हा। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा चूल्हा होता था, और जो सबसे ऊपर बनता था टॉप पे, तो यहाँ पे खाना पकाया करते थे। तो ये पार्ट टाइम किचन भी था। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्त चीज़ बताने वाला हूँ। तो पहाड़ों में
सभी घरों में लगभग एक चीज़ कॉमन होती है, उसको कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो कुछ एक उनके लिए घर बनाते हैं, तो हमने भी वो घर बनाया है और जंगली मधुमक्खियाँ पाली हुई हैं, तो अब पालतू बन चुकी हैं, पहले तो जंगली थी और जंगलों में भी पाई जाती हैं। तो जंगल जो जंगली मधुमक्खी होती है उनसे थोड़ा बच के रहना, उनकी डंक ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू जो घर में जो रेगुलर हो जाती हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन फ्रेंडली हो जाती हैं तो वो उतना जल्दी डंक नहीं मारती। तो जंगल में जाके ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें, तो वही दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए, वो चीज़ सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ और सबसे टेस्टी चीज़, कभी आपने जंगली शहद नहीं खाया तो कसम से ज़रूर खाना, हिमाचल में आके खा लेना, कुल्लू मनाली में आके खाना, कहीं भी जहाँ भी पहाड़ों में जाओ तो ज़रूर खाना। इवन वो तो जंगलों में चाहे बिहार हो चाहे यूपी, हर जगह ही मिलेगा, बट पहाड़ों का थोड़ा टेस्ट अलग होता है, तो उसको ज़रूर ट्राई करें। तो बचपन में मुझे याद है हम निकालते थे मखीर, तो मधुमक्खी को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है मखीर, तो उसको ज़रूर ट्राई करना। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ पाली हैं, खूबसूरत मधुमक्खियाँ यार, मुझे बहुत पसंद होती हैं मधुमक्खियाँ, और जो इनका शहद होता है उसका तो क्या कहें। तो मधुमक्खियाँ अपने देखो कितनी प्यारी चीज़ है ना, देखो यार कितनी खूबसूरत लगती है यार, कितनी खूबसूरत। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखना, कभी आप भी ट्राई मत कर लेना इसे पकड़ने की, बिकॉज मधुमक्खी के डंक से बुखार तक आता है, और अगर 10 12 15 20 ने काट लिया आपको तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको सबसे पुराना कुआं हमारे इस एरिया का, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको उस कुएं के पास लेके आया हूँ, तो लगभग 40 से 50 फुट गहराई है इस कुएं की, तो आप देख सकते हैं। और ये पुराना तो पता नहीं कितना ही पुराना है यार, इतना पुराना है कि यहाँ पे पेड़ भी उग चुके हैं कुएं के अंदर। तो बचपन में जाया करता था मैं इस कुएं के यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे मोटर लगाई होती थी, यहाँ से पानी जाया करता था। तो उस टाइम क्या होता था, पहले हम जब कुआं नहीं था तो नदियों से पानी भर के नदियों का पानी पिया करते थे, बट जब बरसात, जैसे आजकल मौसम जो बरसात का है, तो इस टाइम नदियां बहुत गंदी होती हैं, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत होती थी यार, उसको बार बार छानना पड़ता था पानी को, और उस तो बरसात में पानी काफ़ी गंदा आता था, तो जिसके कारण नदियों का पानी पीने लायक नहीं रहता था। तो तब उसके बाद हमें ये कुआं तैयार करना पड़ा और ये खूबसूरत कुआं तैयार हो के आया। तो अभी हमने ऐसे ही रखा है, बंद बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें यार बाद में कहाँ मिलेंगी ढूंढने से। तो ये पुरानी जितनी भी चीज़ें, चाहे वो मेरे घर से रिलेटेड हो, चाहे ये कुआं हो, कोई भी चीज़, तो उनको बंद करके कोई फ़ायदा नहीं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है मेरे लिए, तो यहाँ आते हैं लोग और काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को देख के। तो मेरे पीछे है ये है अनार का बगीचा, और अनार के जो ऑर्चर्ड होते हैं उनका भी टाइम नहीं हुआ, हार्वेस्टिंग का टाइम नहीं हुआ है, तो लगभग सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग में होता है, तो वो भी ज़रूर आपको दिखाऊंगा इसी चैनल के थ्रू वहाँ। तो अब लास्ट चीज़, अपने घर के बगल में ब्यास नदी भी बहती है, अगर वो नहीं दिखाए तो क्या फ़ायदा। तो चलिए ब्यास नदी की ओर। तो ये देखो, ये जो छप्पर दिखाई दे रहा है वो मेरे घर का है, और यहाँ पे ब्यास नदी। तो फ्रेंड्स अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो जो कि हिमाचल से रिलेटेड हो या फिर पहाड़ों से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो फ्रेंड जाने से पहले ज़रूर एक राय दे देना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो भी बता देना, ताकि अपने आप को मैं सुधार सकूँ। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ़।